इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र के सुंदरम कॉम्प्लेक्स में रहने वाले करीब आधा दर्जन युवकों को रेलवे में टीसी की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हो गए। जहां एक पीड़ित की पहचान ट्रेन में सफर के दौरान आरोपी से हुई थी, वहीं आरोपी ने बाद में रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और पीड़ित और उसके साथियों से करीब 12 लाख रूपए ठग लिए। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल भवरकुआ थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित व उसके साथियों के साथ 12 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। जहां एक पीड़ित ने भवरकुआ थाने पहुंचकर आरोपी का नाम हटलंस दास पिता सुनील दास निवासी मसीहा गांव देवी के सामने चिंचपाड़ा रोड काटन नेवली कल्याण महाराष्ट्र के खिलाफ 12 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। जहां आरोपी के खिलाफ फरियादी राहुल पांडे, प्रदीप चौधरी, अतुल मौर्य, प्रकाश पवार ने शिकायती दर्ज करवाकर आवेदन पुलिस को सौंपा है। दरअसल फरियादी राहुल पांडे की पहचान आरोपी हटलन से ट्रेन में एक सफर के दौरान हुई थी। दोनों के बीच बातें होने लगी। आरोपी ने खुद को रेलवे का कर्मचारी बताया व अपने पिता को रेलवे का अफसर बताया। वहीं आरोपी द्वारा फरियादियों को झांसा दिया गया कि 12 लाख में वह उन्हें रेलवे में टीसी की नौकरी लगवा देगा। फरियादी उसके झांसे में आ गए। 2 साल पहले रुपए देने के बावजूद उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली। वहीं भवरकुआ पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ 420 के तहत प्रकरण दर्ज करा आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें एक पीड़ित है राहुल पांडे जो यहाँ सुंदरम अपार्टमेंट में रहते हैं। ये 2014 में महाराष्ट्र गए थे किसी काम से पुणे, तो पुणे से इंदौर आते समय ट्रेन में कोई एक व्यक्ति मिला हरसन पिता सुनील दास, तो उसने इनको रेलवे का कर्मचारी बताया और कहा कि रेलवे में टीसी के पद पर वो जो है इनकी नौकरी लगवा देगा। उस बीच में इन्होंने एक दूसरे से अपने नंबरों का आदान प्रदान किया और काफ़ी समय तक एक दूसरे से चर्चा करते रहे। करीब साल भर बाद हरसन ने जो ट्रेन में मिला था उसने इनसे और इनके दोस्त प्रदीप चौधरी से 10 लाख रुपए लिए थे कि जल्दी ही इनको टीसी के पद पर नौकरी लगवा देगा। पैसा लेने के बाद नौकरी नहीं लगवाई और झांसे देता रहा। जब ये पैसे लेने गया तो उनको वहाँ से भगा दिया कि अभी नहीं, जब नौकरी निकलेगी तब लगेगी। तो इस तरह से हरसन ने इनके साथ नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की। आवेदक राहुल पांडे ने आवेदन दिया था जिसकी जांच पर से हमने धारा 420 और 406 का मुकदमा कायम किया। गिरफ्तारी के लिए टीम मुंबई भेजेंगे, आरोपी का पता मिल गया है हमें। सर और भी कई शिकायतें नहीं, अभी अपने यहाँ तो एक ही शिकायत है, हो सकता महाराष्ट्र में और कुछ हो तो उसके बारे में पता लगाएंगे।